बाजार में पिछले 10 सत्रों से जारी तेजी पर आज ब्रेक लग गया। काफी लंबे समय बाद आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। हालांकि अंतिम घंटे में बाजार ने निचले स्तरों से वापसी की, जिससे गिरावट का दायरा कम हुआ। रिलायंस और आईटी शेयरों में व्यापारी ने बाजार पर दबाव बनाए रखा। कमजोर ग्लोबल संकेतों का असर भी भारतीय बाजारों पर नजर आया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 263 अंक टूटकर 48,175 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 53 अंक गिरकर 14,146 के लेवल पर बंद हुआ। आम बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों और सेक्टोरल एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। इस वर्चुअल बैठक का आयोजन नीति आयोग करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि आने वाले बजट का फोकस ग्रोथ पर होगा। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली है। डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशन कंपनियों के खिलाफ जल्द रिजर्व बैंक भी जांच शुरू करने वाला है। रिजर्व बैंक की जांच में इस बात का फोकस होगा कि क्या बैंकों ने ऐप्स के करंट अकाउंट खाते में संदेह पैदा करने के ट्रांजैक्शन को जानबूझकर तो दरकिनार नहीं किया। इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने भी रिजर्व बैंक को चिट्ठी लिखकर मदद मांगी है। RBI ने ये भी जांच करने की ठानी है कि KYC नियमों को ठीक तरीके से पालन किया गया या नहीं। आपको बता दें कि जी बिजनेस की मुहिम ऑपरेशन हफ्ता वसूली के बाद जांच एजेंसियां एक्शन में हैं। कोविड से संक्रमित होने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक कंपनियां ऐसे लोगों के लिए वेटिंग पीरियड 30 दिन से लेकर 90 दिन कर सकती हैं, यानी इंश्योरेंस लेने के इतने दिनों तक बीमार होने पर कवर नहीं मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कोरोना होने के बाद से घर में रहकर ठीक हुए लोगों के लिए वेटिंग पीरियड कम से कम 30 दिन का हो सकता है, जबकि लंबे समय तक हॉस्पिटल में रह चुके लोगों के लिए वेटिंग पीरियड 90 दिन का हो सकता है। हालांकि जिनके पास पहले से हेल्थ इंश्योरेंस है, उनके प्रीमियम में कोई बदलाव नहीं होगा। 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी की प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी। 3,92,000 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आज नोटिस जारी कर दिया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल से 2,251.25 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी की मंजूरी पहले से ही मिल चुकी है। दूरसंचार विभाग ने प्री बिड कॉन्फ्रेंस के लिए 12 जनवरी का समय तय किया है। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए कंपनियों को 5 फरवरी तक आवेदन करना होगा। दिसंबर महीने में भारत के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ सुस्त रही। IHS मार्केट के मुताबिक दिसंबर में सर्विसेज PMI गिरकर 52.3 पर आ गया। नवंबर में सर्विसेज PMI 53.7 रहा था। PMI का 50 से ऊपर होना ग्रोथ को दर्शाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबार को लेकर कमजोर रुख की वजह से बिक्री की रफ्तार 3 माह के निचले स्तर पर आ गई। इसके अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति पर विराम भी लग गया। कोरोना महामारी ने रियल एस्टेट सेक्टर की कमर तोड़ दी है। 2020 में घरों की बिक्री में 37% की गिरावट आई है। इतना ही नहीं, नए लॉन्च होने वाले घरों की तादाद भी 34% कम हुई है। राहत की बात यह है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री यानी बिना बिके मकानों की संख्या में 2% की मामूली कमी हुई है। यह आंकड़े निकल कर आए हैं नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 10 सालों में देश में अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स बढ़ा है, यानी अब घर खरीदना ज़्यादा अफोर्डेबल हुआ है। भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन और बहनोई को मुंबई स्थित PMLA कोर्ट ने वादा माफ गवाह यानी अप्रूवर बनने की इजाजत दे दी है। इन दोनों को प्रवर्तन निदेशालय ने दो केसेस में सह अभियुक्त बनाया हुआ है। नीरव की बहन पूर्वी और बहनोई मयंक मेहता ने कोर्ट से माफी के लिए अर्जी दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि अगर उनकी अर्जी को कोर्ट से इजाजत मिलती है तो वे नीरव मोदी के खिलाफ अहम सबूत मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। स्पेशल कोर्ट ने पूर्वी मोदी के आवेदन को मंजूरी दे दी है। डिजिटल पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म पेटीएम ने इंस्टेंट पर्सनल लोन सर्विस शुरू की है। कंपनी का दावा है कि इसके तहत साल के 365 दिन किसी भी समय सिर्फ 2 मिनट में 2,00,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये लोन क्रेडिट स्कोर और खरीदारी के पैटर्न के आधार पर मिलेगा। आप ये लोन 18 से 36 महीनों की EMI में चुका सकते हैं। इस सर्विस के लिए पेटीएम ने कई बैंकों और NBFC के साथ करार किया है।
व्हाट्सएप ने आधिकारिक तौर पर अपनी सर्विस की नई शर्तों और प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट कर दिया है। यूजर्स के पास मैनेजिंग प्लेटफॉर्म का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके उस पर सहमति देने के लिए 8 फरवरी तक का समय है। जो लोग नई शर्तों पर सहमति नहीं देंगे उन्हें अपने अकाउंट्स को डिलीट करना होगा। मैसेज के मुताबिक नए अपडेट में व्हाट्सएप सर्विस और ये डेटा को कैसे प्रोसेस करता है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है। नई प्राइवेसी पॉलिसी में ये भी दिया गया है कि व्हाट्सएप फेसबुक के साथ कैसे काम करके कंपनी में इंटीग्रेशन ऑफर देता है।